गाइस हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और हॉस्पिटल आ गया या आ गई भाई आ गया आ गया आ गया टाइगर गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक माय चैनल समानम ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी बज रही सुबह के 4:30 और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ। कंप्लीट क्यों हुई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कभी भी न्यूज़ आ सकती है, मैं कभी भी एडमिट हो सकती हूँ। तो आज मैं नेल काटी हूँ ना, सब नेल काटना पड़ा, हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं एडमिट होने। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज का डेट है मेरा सी सेक्शन का, तो इसलिए मैं रेडी वगैरह हो गई हूँ। नेल्स वगैरह सारे नाक वाक के मैं खोल दी हूँ, पहन के नहीं जाया जाता ऐसा सभी कहते हैं, तो मैं निकाल दी हूँ। अभी मैं रात भर सोई नहीं, टेंशन में नींद नहीं आ रही, 2 दिन से मैं नहीं सोई हूँ। मैं सोची आप लोग को अपडेट दे दूं और जितना हो सकेगा मैं शूट करूंगी, मैं ही करूंगी अभी जब तक मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। रास्ते तक जो भी होगा मैं शूट करके दिखाऊंगी, आप लोग देखना, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और क्या आने वाला है ये मुझे भी नहीं पता है कि क्या ऊपर वाले देंगे भगवान मुझे, अभी मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो डर सा लग रहा है और खुशी भी है और डर भी है, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, क्या होगा नहीं होगा मुझे कुछ पता नहीं है। और ये सो गए हैं, सोने के बाद ये अभी 5 बजे का अलार्म लगा है, 5 बजे ये उठेंगे। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करी, हमारे में नए कपड़े लेके नहीं जाया जाता है, कुछ भी पुराने पुराने कपड़े लेके जाया जाता है, मायके में भी ससुराल में भी न्यू कपड़ा नहीं चलता। तो मैं कुछ शॉपिंग खास नहीं करी थी, मैं अपने लिए नाइटी वगैरह ली थी कि आने के बाद रिटर्न जब आऊँगी तो मैं पहनूंगी घर पर। तो अभी बैग पैक हो गया, मैं दिखा रही, 2 बैग पैक करी हूँ मैं हॉस्पिटल के लिए, ऐसे ही नॉर्मली पुराने पुराने कपड़े वगैरह डाली हूँ और बस निकलेंगे। 7 बजे एडमिट हो जाऊंगी मैं सुबह आज, अभी बज रहे 4:30 और 10:30 बजे सुबह ऑपरेशन है मेरा, तो बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है। तो चलिए बैग दिखा देती हूँ और जैसा जैसा जो होगा मैं दिखाती हूँ। देख सकते हैं बैग मैंने पैक किया है 2, एक ये तो 2 पैक किया है, जो भी ज़रूरत के सामान है वो ले ली। और सिम्बा आज यहाँ पर नहीं है, सिम्बा दादी के घर पर सो रहा, क्योंकि मुझे सुबह एडमिट होना है हॉस्पिटल में, तो वो दादी थोड़ा जो भी हो जैसे होगा मैं दिखाऊंगी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इंजेक्शन वगैरह भी लग रहे हैं मुझे जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए बस सब अच्छा हो, चलिए चलते हैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ रेडी होके। रख दी अंदर, निकाल दो। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और मैं तो बिल्कुल भी सोई नहीं, 1 मिनट भी मुझे नींद नहीं आया आज, तो इसलिए क्या कर सकते, सोई नहीं मैं, नींद आएगा कैसे, ऑपरेशन है मेरा कुछ घंटों में, तो नींद आना पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल आदमी हूँ मैं भी। तो इनका हाथ है पहले मैं निकाल रही हूँ मैं, तो अब हम निकलेंगे, सब कुछ रेडी हो गया, बज रहे अभी 6:30 बजने जा रहे, निकल जाती हूँ। जितना मैं शूट कर पाऊँगी करूँगी, बाकी जब मैं होश में आऊँगी तब बातें करूँगी आप लोगों से, क्योंकि ये इतना कैरी कर नहीं पाते, बिजी रहते हैं, ऐसा सिचुएशन में हमसे होता नहीं है। हम लोग अंधेरा नहीं आ रहा पूरा ले रहे कैप्चर। सो बस जा रही हूँ, आज भी लास्ट ये ड्रेस पहन रही हूँ मैं, क्योंकि नाइटी में तो जा नहीं सकती, थोड़ा बाइक से जाएंगे, मैं ये जाएंगे और मम्मी पापा फैमिली वाले सब आएंगे जब मैं ऑपरेशन रूम में जाऊंगी, उससे पहले पहले, और सिम्बा भी आएगा। और सिम्बा से मैं मिल भी नहीं पाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं अभी बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा है, डर लग रहा है, खुशी भी है और बहुत ज़्यादा टेंशन है। बाद में बात करूँगी ये सब बारे में, अभी पहले निकलते हैं, लेट हो रहा है। आपको नींद आ रही है? नींद आ रही है पर सो नहीं पा रही मुझे बिल्कुल भी, मैंने सोई रात, पूरा रात जगी, दोपहर भी नहीं सोई, टेंशन समझ सकते हो आप लोग, नींद नहीं आई। चलो भगवान का नाम लो, सब अच्छा होगा। भगवान अल्लाह जीसस जितने हैं सब ऊपर बैठे, बस सब अच्छा हो और क्या बोले, चलिए चलते हैं, साथ में बने रहिए। सुबह देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा है, आज धूप नहीं है, 11 बज गए, अच्छा ऐसे ही मौसम हो तो गर्मी ना लगेगा ज़्यादा, सबको परेशानी नहीं होगी। और
अभी 6:11 बज रहे, 6:30 नहीं बज रहे, अभी मैं टाइम देखी तो 6:11 हो रहे और ये गाड़ी बाहर कर रहे, हम लोग चले जा रहे और बस रेडी हो गई रोज़ की तरह। रिपोर्ट वगैरह है, बैग एक ये सब कैरी कर ली जो मैं आपको दिखाई थी। तो मुझे टाइम से पहले डेट दे दिया गया है, तो मैं ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ कोई चीज़, मतलब तबीयत वबीयत को लेकर नॉर्मल हूँ। बस दुआ है आप लोगों की, मैं सिमा के टाइम में भी मैं नॉर्मली हॉस्पिटल घूमते फिरते गई थी। तो चलिए चलते हैं, और डर बहुत लग रहा है। जाते जाते हम आज यहीं पे रुक गए, हमेशा बंद होता है ये वाला दरवाज़ा, पर आज सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं तो दर्शन भी हो गए, अच्छी बात है। हम हमेशा जाते हैं तो प्रार्थना करते हुए, तो कृष्ण भगवान में देख सकते दर्शन हो गया। देख सकते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, वैसे टेंशन में कुछ नहीं हो रहा आज, टेंशन नहीं। हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और हॉस्पिटल बंद था, अभी देख सकते हैं टाइम 7:15 में पहुंच गए, सॉरी 7:45 में। चलिए बैग लेके जाना है, तो अपने बॉस ने आपको तो तोड़ना है, तो बॉस है उन्हें तो आप तो बैग नहीं है, और अपने जाना ठीक है। और कब तुम हम लोग आ गए हैं एडमिट होने, और हमारी डॉक्टर आएगी 10:30, डॉक्टर से मैम से बात हुआ है डायरेक्ट। चलो मैं चलूं पहले, यहाँ किधर, चलिए हॉस्पिटल रूम में जाके मिलती हूँ। अभी कोई प्रोसेसिंग चालू नहीं है, हम लोग बहुत देर से बैठे हैं और डॉक्टर, मेरा ऑपरेशन 10:30 है, तो अभी तक डॉक्टर, अभी कितना 8 रहा है, तो इसलिए मैं बैठी हूँ। मैं इनको रिसेप्शन में बुलाया गया है, अभी क्या पता बेड वेट करेंगे क्या करेंगे पता नहीं, अभी मुझे स्लैंस वगैरह चढ़ेगा क्या होगा, जैसे जैसे जो होगा जितना हो पा रहा है मैं दिखाऊंगी। ठीक है बैठी हूँ मैं। सो गाइस अभी देख सकते हैं चेकअप हुआ है, मेरा ब्लड चेक हुआ है, देख सकते हैं ब्लड निकाला है शुगर ना क्या टेस्ट करने के लिए। तो प्रोसेसिंग हो चुका है स्टार्ट, और यहाँ भी बहुत जोरों का पंखा चल रहा है तो इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे बाद में वॉइस ओवर सब में डालनी पड़ रही है, जिसमें जिसमें आवाज़ है सही है मैं उसमें दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर इरिटेशन होने लगता है। तो अभी देखिए क्या क्या होगा, ये गए हैं बाहर जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो जो हो रहा दिखा रही। सो देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, तो मुझे चैनल जो बोला जाता है तो वो लगाया गया है, और कपड़े वगैरह चेंज कर दिए गए हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से लगाया है, मेरा तो हाल ख़राब हो गया, यहाँ पे लगा था तो फिर वहाँ नस नहीं मिला, पता नहीं क्या परेशानी हुई, तो फिर दूसरी जगह लगाना पड़ा है। सो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रो रही, देखिए सूज के एकदम कैसे निकल गया हाथ के पास, देखिए वही मैं दिखा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोई, रो रो के परेशान हो गई। तो बस लेंस वगैरह चढ़ रहा है, पानी वगैरह जो चढ़ता है हो चुकी है तैयारी, बस डॉक्टर आएगी और बस ऑपरेशन रूम में जाऊंगी, और देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में बेबी के साथ। बने रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आ गया या आ गई भाई, आ गया आ गया आ गया, टाइगर भाई का टाइगर, बोला ही क्या बोला मैंने, क्या बोला टाइगर, क्या बोला था मैंने, ये तो छोटा रोहित आएगा भाई टाइगर, मुख देखा नहीं कोई,
मुख तो गोरी है आज वो भाई कैसा लग रहा है टाइगरू करते करते टाइगरू आ गया राहुल भतीजा आ गया फिर से कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है छोटा रोहित आ गया की सोच रहे थे रोहित आ गया वही तो पहले राहुल अब रोहित हमने तो पहले बता दिया यार भाई हम तो फिर भी सोच रहे कि भतीजी आए हो टाइगर अरे दादा अभी नहीं खोले बोले ट्रिम नहीं मम्मी को देखे देखे इमोशनल रहा बच्चा मेरा सो गाइस गुड मॉर्निंग आज है हॉस्पिटल में मेरा नेक्स्ट डे और हाल देख सकते और पूरी रात में सोई नहीं हूँ तो सी सेक्शन था तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी और अभी अभी ये आए हैं मिलने के लिए और बाहर से कुछ लेने गए हैं और हाल देख सकते हैं हॉस्पिटल में क्या हाल रहेगा तो आज मुझे वॉक करना है चलना है तो इसलिए मैं ऐसे ये हूँ तो अभी से ही कोशिश करूँगी अभी ठीक है दर्द नहीं रात भर सोई नहीं दर्द था अभी ठीक है आप लोग को अपडेट देते रहूँ बाबू सो रहे उधर आओ चलिए थोड़ी देर मिलती सो गाइस आज ये मेरा हॉस्पिटल में तीसरा दिन और बाबू सो रहे है और तीसरा दिन मतलब संडे को हुआ था मेरा सी सेक्शन संडे मंडे ट्यूसडे तो मैम आई थी जिसने मेरा सीजर किया बहुत ही अच्छी मैम है डॉक्टर तो आज ही मुझे बोली है कि आप घर जा सकते हो आप बिल्कुल भी सही हो फिट हो ठीक हो और मैं चल भी पा रही हूँ तो अच्छे से तो इसलिए मैम ने मुझे दे दिया है डिस्चार्ज कर दिया है और अभी मैं घर जाने वाली हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बाबू भी घर जाएगा खुश है बाबू भी सो रहा है लेकिन अभी अच्छा है घर जा हॉस्पिटल में जब इंसान रहता है फिर घर जाने का जब बात होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो बस अभी शाम हो रही है मतलब 4:30 बज रहे तो अब मैं जा रही हूँ तैयारी करने अब मैं निकलने वाली घर के लिए और गर्मी से हाल भी ख़राब है बहुत ज़्यादा तो बहुत अच्छी हूँ बहुत फिट हूँ बहुत खुश हूँ अब घर जा रही हूँ और सिम्बा से भी अच्छे से बात नहीं कर पा रही मैं जब से हॉस्पिटल हूँ तो सिम्बा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं अभी घर जाऊँगी तो सिम्बा को भी प्यार करूँगी अच्छे से धरूँगी पकड़ूँगी तो बस ये आने वाले हैं मुझे लेने के लिए तो मैं निकलूँगी थोड़ी देर में जैसे जैसे जो होगा मैं दिखाती हूँ बने रही कहीं जाने की जरूरत नहीं मेरा हो चुका है छुट्टी अब मैं जा रही हूँ घर चली रास्ते मिलते मिलते बात करती हूँ ठीक है और मम्मी बाबू को लेके निकल गई है हॉस्पिटल से निकल के मैं आ गई हूँ अपने ससुराल क्योंकि ये बोले हमें घर पे जाना है तो हम यहीं पे आए डायरेक्ट हॉस्पिटल से थोड़ा घर में बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ज़रूरी होता है लेना तो इसलिए खुशी की बात है तो हम यहाँ पे आए हैं यहाँ से अब डायरेक्ट जाएंगे घर जहाँ पे मेरे भाई और भाई की वाइफ आई हुई है
तो उनसे मतलब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं घर पे, वो दिन में ही आए हैं। तो चलिए ये ले रहे हैं आशीर्वाद, बाबू को भी दिलवा रहे हैं तो दादाजी से, जो कि हमारे साथ नहीं है अब, तो देख सकते हैं आशीर्वाद ले रहे हैं, सो स्वीट। तो चलिए चलते हैं। फाइनली मैं पहुंच गई घर हॉस्पिटल से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सभी घर पे बहुत खुश हैं, पूरे फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश है। और मेरे घर से मेरे भैया, छोटे भाई और भाई की वाइफ आई थी, तो छोटा सा प्यारा सा सरप्राइज़ दिया उन्होंने ये सजावट करके, तो हमें अच्छा लगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग नहीं हुए यहाँ पे, तो जानते नहीं कुछ भी, सो जितना हो सका वो करा और अच्छा लगा हमें। और देख सकते हैं सिम्बा के पापा भी बहुत खुश हैं, हम सब खुश हैं। तो मैं अच्छे से सेफली घर पहुँच गई हूँ, और सिम्बा भी खुश है, सभी खुश है। और ये वीडियो 2 महीने के बाद आ रहा है आपके पास, उसके लिए सो सॉरी। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। और मेरी बेबी को बहुत सारा प्यार और दुआ देना, आप लोगों की प्यार और दुआ की बहुत ज़रूरत है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।